चैनल पे हेडफोन का रिव्यू आया काफी टाइम हो चुका है गाइस, तो हम यहाँ पे आप लोग के लिए लेके आए हैं हैमर के बेस मैक्स। ये हेडफोन्स जो है रिसेंटली अमेजोन पे आए थे एंड मैंने इसको परचेज किया, 2000 रुपये लगे भाई पूरे के पूरे इनको परचेज करने में, मतलब सस्ते तो नहीं है, ये बात तो क्लियर है। अब आते हैं भाई इसके डिटेलिंग पे, अब ले तो लिया हमने, टेस्ट भी करेंगे आप लोग के साथ, डिटेल भी शेयर करेंगे, तो वीडियो कंटेंट जरूर देखिए एंड अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बेस्ट डील एंड ऑफर के लिए आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब सब्सक्राइब करके, व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल पे, जिनका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स, तो अनबॉक्स करते हैं भाई। सबसे पहले तो आपको मेन प्रोडक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बाकी आपको यहाँ पे मिलता है एक छोटा सा यूजर मैनुअल एंड एक टाइप सी की चार्जिंग केबल, दैट्स इट। एंड अब भाई मेन प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करना बनता है, सो डिटेलिंग पे आते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलती है हैमर की ब्रांडिंग, ऊपर वाला जो सेक्शन है यहाँ पे इन्होंने यूज किया है क्लोदिंग मटेरियल एंड नीचे वाला सेक्शन पे हैमर की ब्रांडिंग के साथ थोड़ा सा कुशनिंग यूज किए, ज्यादा कुशनिंग नहीं है। प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी पूरी प्लास्टिक है, इतना कोई प्रीमियम क्वालिटी यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलते, बट जी हाँ डिजाइन थोड़ा सा इनोवेटिव है, यूनिक है एंड ये ओवर ईयर हेडफोन की कैटेगरी में आते हैं। सिंगल बटन आपको मिल जाता है, वो भी आपको मिलता है राइट साइड पे एंड चार्जिंग पॉइंट भी राइट साइड पे अवेलेबल है। बात करें टच बटन की भाई, तो वो राइट साइड में अवेलेबल है, यहाँ पे आप म्यूजिक को प्ले पॉज के साथ वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं एंड वो सारा वायरलेस लाइक स्वैप से आप इसमें म्यूजिक वगैरह चेंज कर सकते हैं, अप डाउन से वॉल्यूम आपकी कंट्रोल होती है, तो ये सारे फीचर आपको मिल जाते हैं। अब पहले इसको कनेक्ट करते हैं, म्यूजिक एक्सपीरियंस चेक करते हैं, बाकी चीजें बाद में देखते हैं, बट उससे पहले ये चेक करना भाई क्या ये कंफर्टेबल है। तो गाइस जिन लोग को ओवर ईयर हेडफोन चाहिए तो उन लोग के लिए काफी ठीक है ये ऑप्शन, वर्कआउट के लिए थोड़ा टाइट होना चाहिए, ये टाइट भी है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट का जो लेवल है वो आपको करीबन 1 इंच मिलता है, ज्यादा ऑप्शन नहीं है, 1 इंच यहां से 1 इंच वहां से, मतलब 2 इंच का लाइक ओवरऑल डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ईयर कप्स भी सॉफ्ट एंड स्मूथ है, बट ओवर द टाइम यहाँ पे आपको जो स्किन है वो निकलती हुई देखने के लिए मिल जाएगी, कंफर्टेबल है, नॉट एन इश्यू। एंड आप अगर इसको गले में ऐसे टांगना चाहते हैं तो वो एक ऑप्शन आपको मिलता है, लाइक फ्लेक्सीबल है ये हेडफोन्स, वो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, बट फोल्ड होना चाहिए था, एक बेटर चीज यहाँ पे हो सकती थी। करते इसको कनेक्ट, 5.3 हैमर ने ऑफर किया है, कोई भी एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं, कोई भी गूगल की फास्ट पेयरिंग नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई भी 3.5 mm जैक अवेलेबल है, मतलब आपको ब्लूटूथ से ही कनेक्ट करना पड़ेगा एंड बैटरी बैकअप वही मिलेगा जो आपको यहाँ पे ब्रांड ने प्रोमिस किया है। कनेक्ट करने के लिए सिंपली आप अपने डिवाइस में एंड्रॉइड iOS जो भी है आपके पास वहां पे ब्लूटूथ सेक्शन में जाके इसको कनेक्ट कर सकते हैं। पेयरिंग काफी सिंपल है, इजी है एंड एक स्टेबल कनेक्टिविटी आपको मिलती है, एटलीस्ट रिलीविंग पार्ट। नाउ कनेक्ट कर लिया, म्यूजिक एंजॉय करना है तो यहाँ पे मिलते हैं 40 mm के साउंड ड्राइवर्स, जो कि आपके वायर्ड वायरलेस ईयरफोन से तो कहीं बैठे हैं एंड जहाँ पे ओवरऑल म्यूजिक की आउटपुट की बात आ जाती है, तो भाई हम हेडफोन लेते हैं क्योंकि हमें म्यूजिक एंजॉय करना है, एक आइसोलेशन चाहिए कान में भाई, ऐसा नहीं है कि आप बाहर की भी नॉइज सुन रहे हैं देन म्यूजिक मजा नहीं आ रहा, राइट वो चीज़ यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगी, बिकॉज एक फिजिकल आइसोलेशन तो ये डेफिनेटली क्रिएट कर देते हैं एंड वो कई ब्रांड क्लेम करते हैं भाई 30 dB की ANC, तो वो ANC वाला फंडा यहाँ पे नहीं, आपको करीबन मैं बोलूँ लाइक 10 से 15 डेसिमल की जो नॉइस है वो तो ये ऐसे ही माइनस कर देंगे, तो ANC ना भी है तो भी चल जाएगा आपका हेडफोन्स में। तो अब ओवरऑल म्यूजिक की क्वालिटी की बात करूँ तो भाई बेस भी काफी अच्छा दिया गया है, साथ साथ क्लैरिटी लेवल भी अच्छे हैं, बट मैं ये बोल सकता हूँ हैमर ने फोकस किया ऑन क्लैरिटी लेवल, बेस और बेटर किया जा सकता था, बिकॉज इंडियन यूजर्स लव द बेस, तो बेस यहाँ पे ठीक है मेरे अकॉर्डिंग, तो मेरे को उतना ही चाहिए भाई जितना नॉर्मल होता है, एक्स्ट्रा बेस नहीं चाहिए। सो फोमिंग दीज आर गुड परफेक्ट अंडर 2000 rupees इन टर्म्स ऑफ ऑडियो क्वालिटी। साथ साथ टच कंट्रोल की बात करते भाई, इन्होंने टच कंट्रोल यहाँ पे दिए तो है वायरलेसली, स्वैप से आप कर सकते कंट्रोल इसको, बट मेरे लिए वो आधी बार काम करते आधी बार काम नहीं करते, मे भी कुछ दिक्कत परेशानी है एंड जब मैंने टेस्ट किया ट्राई किया तो काम कर रहे थे, तो आप चेक कर सकते हैं भाई कैसे आप यहाँ पे कंट्रोल करेंगे म्यूजिक एंड वॉल्यूम इन हेडफोन से। उसके अलावा कोई भी यहाँ पे आपको गेमिंग देखने के लिए नहीं मिलती, बट जी हाँ कॉलिंग तो आप करेंगे, तो कॉलिंग के लिए हमने इसको टेस्ट किया आउटडोर में, ये है रिजल्ट, चेक कर लीजिए। तो ये हेडफोन्स आप देख रहे हैं ये है हैमर के बेस मैक्स एंड इनका माइक्रोफोन चेक कर आउट देते हैं, यहाँ पे कुछ निकल वगैरह की नॉइस है, बट कैसा आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, नाइट यहाँ पे माहौल है जहाँ पे नॉइस तो काफी कम है, बट एक्सपेक्टेशन बताए भाई क्या इसको आप बात करने के लिए यूज कर सके, यूटिलाइज कर सके या नहीं।
तो यार आउटडोर कूलिंग एक्सपीरियंस आपने चेक कर लिया, मेरे अकॉर्डिंग तो कूल क्वालिटी काफी डिसेंट है, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली, चाहे ब्रांड ने क्लेम ना किया हो डुअल माइक्रोफोन क्वाड माइक्रोफोन, बट स्टिल माइक्रोफोन मैनेज कर लेते अच्छी खासी आउटपुट यहाँ पे फेच करने से। ओके तो अब बैटरी बैकअप वाला चीज यहाँ पे बच जाता है, जो कि मेरे को कंसर्न पॉइंट लगा, क्योंकि 18 घंटे ब्रांड क्लेम कर रहा है भाई, 20 घंटे में नहीं 18 घंटे ब्रांड क्लेम कर रहा है, अगर आप उसको मैक्सिमम कंडीशन पे यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि ब्रांड जो क्लेम करता है 50-60% होती है वॉल्यूम, आप यूज करेंगे 90-80 या 100% पे, तो उस पे जो बैटरी बैकअप वो काफी कम आएगा, 18 के बजाय आपको 12 घंटे के अराउंड बैटरी बैकअप यहाँ पे मिलेगा, एंड 500 mAh की बैटरी, जो कि थोड़ी सी बड़ी हो सकती थी, कर सकता था ब्रांड थोड़ा बेटर, बट नहीं यार यही है। तो अगर आपका लाइक ट्रैवल का काम है, इतना मेजर कोई इशू नहीं है बैटरी बैकअप से, देन आप इनको ग्रैब कर सकते हैं भाई, क्योंकि लुक वाइज भी काफी अच्छे हैं, एंड एक प्रीमियम हेडफोन की फीलिंग तो आपको देने वाले हैं फर्स्ट इंप्रेशन वाइज, तो डेफिनेटली। सो अभी अगर मैं आपको कंक्लूजन वाइज बताऊं, क्या ये हेडफोन परचेज करने लायक है या नहीं है, 2000 रुपए के नीचे बेटर ऑप्शन नहीं आ रहे, ऑप्शन ही नहीं आ रहे हेडफोन्स के, तो डेफिनेटली ये एक अच्छे हेडफोन है इन टर्म्स ऑफ ऑडियो, इन टर्म्स ऑफ लुक, डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी में बोल सकता हूँ ठीक है, आपको माइक्रोफोन अच्छा मिल जाता है, बैटरी बैकअप वाला पार्ट तो है थोड़ा सा कंसर्न का, बट आप उसको अगर आप स्किप कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, देन गाइस ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बोल सकता हूँ मैं, अंडर 2000 रुपीज है, बट कुछ चीजें जैसे कि 3.5 mm जैक यहाँ पर मिसिंग है बैटरी बैकअप वाला चीज है, दैट्स इट, और कोई दिक्कत मेरे को यहाँ पर नहीं लगी। आप मेरे को बताएं भाई कैसे लगे लुक वाइज ये हेडफोन्स, अच्छे लगे नहीं लगे कमेंट करके बता सकते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।